सर ये तो गिफ्ट लेके आया है आपके लिए और वो कुछ वक्त वगैरह का फुल लाइक इट्स अ रिडल घड़ी घड़ी लाया है हाँ कैच करो फेंक मैं पैक पक्का पहनूंगा अभी पहन लूंगा मैं हाँ शाहरुख जी हाय हेलो वेयर मैम ओके थ्री और फोर मोर क्वेश्चंस शाहरुख जी मेरा सवाल आपसे है यहाँ पे किधर हाँ हेलो उधर सबसे पहले तो मैं आपको जन्मदिन की मुबारक बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आप ठीक हो बार बार दिन ये आए और आप अच्छी अच्छी फिल्में करते जाए हर रोज होना चाहिए ना जन्मदिन मेरा राइट हम लोगों को भी मजा आएगा अच्छा मेरा सवाल ये था कि ये आपसे पहले एक बार कमल हसन जी ने पिक्चर की थी अप्पू राजा जिसमें उन्होंने बौने का किरदार निभाया था और वो पिक्चर काफ़ी हिट हुई थी लेकिन जब ऐसा सुनने में आया कि ये फिल्म के लिए आनंद एल राय जी ने बहुत सारे लोगों को पूछा लेकिन सबने ना बोला था उसमें से सलमान खान भी थे तो आपने जब ये फिल्म साइन की तो आपका क्या मतलब थॉट्स थे इस फिल्म को लेके एक्चुअली स्ट्रेंजली मैं आपको बात बताऊंगा ये इतना ट्रू नहीं है कि सर ने बहुत से पूछा और बट एक्चुअली कटरीना से इन्होंने बहुत पहले बात की थी एंड दैट टाइम सलमान ने मुझे एक्चुअली फ़ोन करके बोला कि अब एक पिक्चर आया यार तो देखो कर दे सो एक सेकंड के अंदर उसने फ़ोन करा और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको कोइंसिडेंस बताऊंगा कि द रीज़न ही केम एंड डिड दैट सॉन्ग वाज दिस कि मैं इस पिक्चर में होऊंगा ज़रूर और उसका सजेशन भी था कि कैसे करें वो थोड़ा सा अलग था हमारे जोन से कि कैसे उसको हम शूट करें उसने कहा था मास्क पहन के कर दे फटाफट यार चलना तो यार टाइम करो छोटे आदमी को मास्क पहना बच्चे को पहना तो हमने वैसा नहीं किया लेकिन द रीज़न दैट ही केम एंड डिड दिस सॉन्ग ये बहुत कम लोगों को मालूम है और सलमान जो है बहुत ही प्यारा इंसान है यार See, if I was listening to a film for whatever reasons, and if I wasn't part of it, for him to remember that a year later or months later, when the film was actually being told to Katrina, to come back and say, "Yaar, is picture mein mujhe karna zarur hai because I've heard this film." So I think that was very dignified and decent and loving of him, of course, as a friend. So that was the reason. Aur yehi tha na sawal.